पढ़ेंगे कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है, कानून बनने की प्रक्रिया। वैसे तो हम एक साधारण विधेयक देखेंगे। कानून हमारे यहाँ तीन तरह के होते हैं, साधारण विधेयक से कानून बनना, विशेष विधेयक और धन विधेयक। तीन तरह के होते हैं जिसके लिए एक प्रावधान होता है, उस प्रावधान को हम बताना प्रारंभ करते हैं। पहले हम ये देखेंगे जो भारत में कानून बनता है वो दो तरह से बनता है। एक तो बनाती हमारी संघ सरकार या केंद्र सरकार, दूसरी हमारी बनाती है राज्य सरकार। दोनों सरकारों के जो कानून बनाने का तरीका है, प्रक्रिया है, एकदम एक जैसा है। यदि इनमें से संघ सरकार को समझ लेंगे तो राज्य सरकार का एकदम सेम है, बस थोड़े अंतरों के साथ। कितना? थोड़े अंतरों के साथ है। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है, किसी को पता है? संसद। और राज्य में जो कानून बनाती है उसे विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। ठीक, तो जो हमारे देश का कानून बनता है वह कहाँ बनता है? संसद में बनता है। कहाँ बनता है? संसद में। तो हम आराम आराम से ड्रा करके आपको समझा रहे हैं कि हमारे देश का कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। तो ये जो हमने बनाया इसका नाम हम रख देते हैं संसद। अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट हाउस, इसी को कहते हैं ना संसद। ठीक, संसद में तीन अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। जबकि सदन कितने होते हैं? दो अंग। कितने होते हैं? सदन कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। अगर हम अंग की बात करें तो संसद में राष्ट्र का पति, मतलब हम समाज की तरह इसको तोड़ देते हैं, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। ये देखिए, ये संसद के तीन प्रमुख अंग हैं जिन्हें क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। अगर सदन पूछ लिया जाए तो हमारे संसद में दो सदन होते हैं, अर्थात तक दो सदनी व्यवस्था हमारे यहाँ है। एक का नाम है लोकसभा तो दूसरे का नाम है राज्यसभा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा? राष्ट्र का पति होगा, जिसकी न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष है। कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होगा। 5 वर्ष के पूर्व भी यह अपने पद से स्वयं त्याग पत्र देकर अथवा मृत्यु या संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें इनके पद से पदच्युत भी किया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी वह सदन के, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में। हम लोग छोटा सा ट्रेलर लेते हैं। लोकसभा को अन्य कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन, लोकसभा को कहते हैं अस्थाई सदन। मतलब लोकसभा को ही इतने नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम से? पहला, प्रथम सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्रथम सदन? ये पहला सदन है। इसे क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसे? निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि ये अस्थाई है। अस्थाई सदन और निम्न भी कहते हैं। ये 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के पहले भी ये क्या हो सकती है? अपने आप भंग या खत्म हो सकती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन, क्योंकि जब भी संसद शब्द का जिक्र होता है हमारे दिमाग में अपने आप लोकसभा का प्रतिबिंब बन जाता है। हम ज्यादातर लोग ज्यादातर बार हम संसद का मतलब किससे समझते हैं? लोकसभा से ही समझते हैं कि यही क्या है, हमारी देश की लोकसभा है। अब आते हैं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है, अस्थाई सदन कहलाती है और द्वितीय सदन कहते हैं। द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? ये प्रथम है तो ये अस्थाई, माने यह ऐसी सदन है जो कभी भंग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक एक तिहाई सदस्य दो दो वर्षों पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए इसके जो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1/3, गणित वाले थोड़ा समझ रहेंगे, 1/3 इस साल हुए,
फिर छठे साल ये जाएंगे तो दूसरे साल 1/3 आएंगे। तो प्रत्येक एक तिहाई जाते हैं और एक तिहाई, इसलिए हमेशा एक में से एक तिहाई घटाएंगे कितना बचेगा, 2/3 सदन ठीक हमेशा रहते हैं। इसलिए सदन कभी भंग नहीं होती, इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं और इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर लोकसभा का सदस्य देखा जाए तो ये इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो 530 प्लस 13 प्लस 2 कहेंगे ये सब कहाँ लिखे हैं, ये 543 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं भारत के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों से। यदि इनमें से चुनकर आए सदस्यों में राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसमें कोई आंग्ल भारतीय नहीं है तो इसमें 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय के रूप में लोकसभा का सदस्य बना सकता है। लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो 7 सदस्य ऐसे हैं जो आपात कंडीशन में इनकी सदस्य संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती, माने अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, कितनी 545, जिसमें 543 पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर सदन में जाते हैं। इसमें से भी 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, माने यह भारत के 29 राज्यों से चुनकर जाते हैं, जबकि यह 13 सदस्य जो होते हैं यह केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं, जिसमें 7 अकेले दिल्ली से, फिर अन्य सभी एक एक केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक चुनकर जाते हैं। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाने वाले सदस्यों की संख्या 13 हो जाती है और 29 राज्यों से कितने, 530। इस प्रकार संसद में कुल 530 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर कहा जाते हैं सदन में जाते हैं, जो हमारे देश के लिए कानून बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यदि किसी लाभ के पद पर हो तो जिस दिन वो अपना शपथ ग्रहण करेगा उस दिन उसका पद रिक्त माना जाएगा। वह किसी न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो। न्यायालय द्वारा दंडित का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ 2 तरह के कैदी होते हैं, एक सजा व्याप्त कैदी, एक विचाराधीन कैदी। क्या इसमें किसी को भी इनके बारे में पता है, क्या इनमें क्या अंतर होता है? आप लोग दोनों बताइए। नहीं, जोंपू डायट नहीं बताएंगे। अच्छा, व्रत है, आप लोग बताइए। आप लोग जैसे ऐसे अचानक जो है माना एक सोता, माना मैंने इनका मर्डर कर दिया, इनका ही कर दिया, तो तुरंत पहले पुलिस हमको उठा के ले जाएगी, हमारा चालान करेगी, 302 लगाएगी, एक दो धाराओं लगाएगी, चालान करके जेल भेज देगी। तो कौन जेल रखेगी? जौनपुर। तो जौनपुर जेल में है तो मुकदमा होगा, केस, उसमें ये सिद्ध करना हो क्या मैंने इनको मारा है या ये चलता रहेगा कई सालों तक, और जब तक ये चलता रहता है तब तक हम बेचारा दिन कैदी कहलाएंगे। जिस दिन ये साबित हो गया कि हमने इनको मारा है और फिर हमको कोर्ट धारा 302 के तहत ताउम्र सजा सुनाती है या फांसी देती है, उस दिन हम क्या हो जाएंगे? कैदी। उसके पहले बेचारा दिन कैदी है, हो सकता है छूट गए तब, तो वह जो बेचारा दिन कैदी है वो चुनाव। एक व्यक्ति भारत के किसी भी जगह यदि वह निर्वाचित है या उसके पास वोटर आईडी है तो भारतीय किसी भी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव, आपका इच्छा हुआ आप यहाँ के हैं जैसे दीपक जी जफराबाद के, हमारे जौनपुर जनपद के, इनको चुनाव लड़ने की इच्छा हुई कि हम तो चुनाव बम्बई से लड़ेंगे, तो बम्बई से चुनाव, आपको लगा कि आप तिरुवनंतपुरम से लड़ें आप वहाँ से भी लड़ सकते हैं। अनुज जी को लगा नहीं 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 हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम तो जाएंगे इम्फाल से लड़ेंगे नागालैंड के पास, तो वहाँ के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भारत के किसी भी क्षेत्र से आप चुनाव, फिर इनको ये लगा कि हम अगर एक जगह चुनाव हार जाएंगे तब, इन्होंने बताया कहा लेकिन सर अगर हम वहाँ से चुनाव लड़े बम्बई से महाराष्ट्र से कहीं हार गए तब, तो होगा कोटा से भी लड़ लीजिए राजस्थान के, हाँ कुछ शर्तों के साथ। ठीक, हाँ अगर हम दूसरे स्टेट से चुनाव लड़ेंगे
नहीं, वोट आपको अपने ही जगह देंगे जहाँ की आप निर्वाचित, जहाँ के आपका वोटर आईडी। लड़ दो जगह सकते हैं आप, एक साथ आप दो चुनाव। पहले हम सोचते थे छोटे थे चुनाव लड़ना, समझते मार और होता होगा। बचपन में हम लोग के समय माइक से प्रचार होता था, तो सब कहते थे इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो हमें सोचते कोई दंगल उंगल होता होगा, लड़ते होंगे, जो जीतता होगा वही जीत गए। लोग कहते नहीं फला जीत गए, चुनाव जीत गए, लड़कर जीत गए। लेकिन अब समझ में आया ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये समझ में आया, लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने की एक आयु होती है, उम्र होती है। बहुत समझदार है आप लोग, 25 साल मतलब हम योग्य हो गए। ठीक, तो यहां से प्रश्न ये होता है कि ये लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, समझ में आ गया। आते राज्यसभा के पास, सेम शर्तें यही है, वह भारत का नागरिक हो, वह मेरी तरह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद द्वारा बनाए गए विधि का पालन करता हो और किसी न्यायालय द्वारा दंडित ना हो, और उसकी उम्र 35 वाले कितने जन हाथ उठाए पहले? हाँ बस 35 वाले सही हैं। ठीक, 30 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। 35 किसके लिए है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए ये हो गया। इनका जो कार्यकाल होता है काम करने का वो 5 वर्ष का होता है, और जो राज्यसभा का कार्य करने का होता है कितना? 6 वर्ष। 5 वाले कितने हैं? हर बार 5 वाले का थोड़ी ना होंगे, 6 वर्ष। तब आपने कह दी मान लो 6 वर्ष। चलिए ये हो गए 6 वर्ष। ठीक, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, बाकी 2800 राज्य का 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा माने विधायक। ठीक, यार गर्म पानी है ना, खुला कला है क्या? नहीं सर, लाइट। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ तो समझ में आया। लोकसभा, और ये देखिए सभी के टीम के अपने अपने कप्तान होते हैं। सभी की टीम के क्या होते हैं? आप लोग भी कभी रहे हैं कप्तान? जबरी रहेंगे, नहीं होंगे तब क्या? आप भी हैं, मतलब एक टीम में दो कप्तान हो ही नहीं सकते। हाँ, अरे भैया इंडिया टीम में 5 कप्तान खेल रहे थे, कैसे दो कप्तान नहीं हो सकते? हाँ, अरे रोहित शर्मा थे, भुवनेश्वर थे, धोनी थे, कोहली थे। अच्छा उस समय एक कहते। अच्छा चलिए अब आते हैं हम लोग। लोकसभा का भी एक अध्यक्ष होता है जिसे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और अंग्रेजी में शायद उसको स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पीछे टंगा हुआ है, क्या कहते हैं उसे? अच्छा साउंड है। अच्छा तो स्पीकर कहते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है वह भारत के जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष माने सामने आपने दिया है वो। प्रत्यक्ष में चुनाव का मतलब हाँ ऐसा चुनाव जिसमें मनई मेहरारू खुद जाके वोट करे, भारत की जनता जिसमें वोट करे वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो इसमें भारत की जनता जो 18 साल की आयु पूरी कर चुकी है वो इसमें हिस्सा लेती है, और जैसे जिस चुनाव में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले 9 युवक 9 युवतियां बुढ़वा बुढ़ापा जो चुनाव में भाग लेते हैं वो सभी क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष मतदान। और ये गुप्त मतदान होता है, याद रखिएगा। क्या भारत में खुला मतदान भी होता है? नहीं, नहीं वाले कितने इस बार हाथ उठाए? और हाँ वाले कितने? एक कौन है? नहीं, राज्यसभा वहां पे आप अपने एजेंट को दिखा सकते हैं कि फलानवा वोट देने जा रहे हैं, वीडियो बंद करके बताएंगे ऐसा क्यों सिस्टम है। ठीक चलिए हम आते हैं। हमने ये देखा गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव, ध्यान सुनिएगा, इन्हें चुनाव होता है। चुनाव दो तरह के चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव और चुनाव। चुनाव का नाम कितना होता है? 3 चुनाव। अपने नाम सुना होगा, चुनाव 3 नाम होते हैं, चुनाव,
उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, ये तीनों का मतलब कौन बताएगा? माइक ला लो, माइक ले ली। पीछे बताएं आप लोग। दरअसल कलाम जी एक बात क्या कह गए थे कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग होता है पीछे बेंच में बैठता है, और हमारे यहाँ मास्टर कहते तेज लड़के आगे बैठते हैं। एक तो वो देखे होंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि चुनाव जो होता है ये पूर्णकालिक होता है। जब भी चुनाव होता है ये पूरे अवधि के लिए होता है। अवधि माने समय, माने टाइम, टी आई एम ई, बस खत्म। ये 5 वर्ष 6 वर्ष जितना कार्यकाल होता है ये पूरे कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। किंतु यह जो उपचुनाव होता है, जैसे मैंने खुदा न खास्ता मैंने चुनाव लड़ लिया, उम्र हो गई है, चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत गए, फिर अचानक हम मर गए तो सीट क्या हो गई? पता चला 2 साल सांसद रहने बाद मर गए, तो बचा कितना? अब जो चुनाव होगा वह उपचुनाव कहलाएगा। जो उपचुनाव होता है वह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। कितने के लिए? बचे हुए कार्यकाल के लिए। जैसे दीपक जी ने चुनाव लड़ा, इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि मोदी की तरह दोनों जगह चुनाव जीत गए। ठीक, कहां से? दोनों जगह से। अब मामला यह हुआ कि यहां से बनारस पे रहे कि बड़ोदरा से, तो वह बड़ोदरा वाला छोड़ देते हैं, बनारस के सांसद हो गए। जब बनारस के सांसद हो गए तो बड़ोदरा में क्या हुआ? 3 महीने बाद चुनाव हुआ, तो बचा कितना? 5 साल में 3 महीना कम। तो वहां जो चुनाव होगा उसे क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अब अगला शब्द आता है ये मध्यावधि चुनाव। ये मध्यावधि चुनाव क्या होता है? ये मध्यावधि चुनाव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये दोनों परम मित्र थे, कौन कौन? अयोध्या जी और दीपक जी। इन्होंने दोनों लोग मिलकर अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद दोनों ने गठबंधन कर लिया। ठीक, और गठबंधन करने के बाद इन्होंने सरकार बना ली। बाद में इन लोगों को दोनों बीच में किसी को बात को लेकर कहा सुनी हो गई। इन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना अपना, नहीं तो गठबंधन टूट गया। जब गठबंधन टूट गया दोनों सरकारें अलग हो गई। फिर अभी आगे देखेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल न्योता दे रहा है सरकार बनाने के, लेकिन कोई सरकार बनाने में सफल, तो उस दशा में क्या होता है? दोबारा चुनाव होगा। जब दोबारा चुनाव जो होगा, अब जो बचे हुए कार्य, जब बीच में सरकारें गिर जाती हैं उसके बाद जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। समझ में आ गया? और जिस समय मध्यावधि चुनाव होता है उस समय पूरे राज्य पूरे देश में दोबारा चुनाव होती है। किसकी भांति? चुनाव की भांति। जबकि उपचुनाव जो होता है वह जिन जिन सीटों पे घटना घटित हुई होती है उन्हीं उन्हीं पे होता है, जबकि मध्यावधि चुनाव चुनाव की भांति ही संपूर्ण राज्य संपूर्ण भारत में होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो डॉक्टर दिखाइएगा। मध्यावधि चुनाव दोनों लोग की सरकार बना ली गठबंधन से, और पता चला दोनों में कुछ विवाद हो गया, सरकारें गिर गई, जैसे कर्नाटका में। हाँ, अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहा है, वहां पीडीपी और किसकी? भाजपा की साथ में सरकार बनी। अब दोनों ने समर्थन खींच लिया, वहां इस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा है। अब वहां कार्यकाल के पूर्ण जो चुनाव होगा उसे मध्यावधि चुनाव कहेंगे। उस राज्य का, मैंने कहा राज्य या देश, अगर केंद्र की बात हुई तो जैसे 1980 में हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, चौधरी चरण सिंह ने अपना हाथ नीचे खींच लिया था। ठीक, जरूरी है कि मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति शासन के लिए लगता है? राष्ट्रपति शासन केवल 6 महीने के लिए लगता है, आपात स्थिति में बढ़ाया जाता है। तो ऐसा होता तो क्या होता? चुनाव के बाद केंद्र से राज्य चलता, राज्य में चुनाव करने क्या जरूरत? बढ़ाया जा सकता है। दो महीने, अरे वो बताएंगे, वो आगे पढ़ेंगे, इतना 1 दिन कुछ सीखेंगे का? आज हम लोग तो ये पढ़ने जा रहे हैं, बाद में कानून बनने की प्रक्रिया वो हमको पढ़ाने नहीं दे रहे आप लोग। ठीक, हाँ, वहां तो पहुंचे ही नहीं कि अभी तक। अब यहाँ बन गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा, में कुछ मनाई है कुछ मेरा रू जाएंगे। ठीक, कितनी मनाई कितनी मेरा रू? 233 प्लस 12, ई प्लस 12 का लिख दिए हम, 200 किसका पति चुनेगा? हाँ, राष्ट्र का पति। चलिए देखिए कौन किसका पति चुनता है, यहाँ देखते हैं हम लोग। 233 राज्यसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं,
ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। विकल्प देगा निम्नलिखित में से कौन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यसभा के सदस्य 233 राज्यों से चुनकर जाते हैं। 12 कला साहित्य खेल सामाजिक कार्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति 12 लोग को, तीन चार चार लोग को प्रत्येक तीन तीन वर्ष पे दो वर्ष पे मनोनीत कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, नाम हीरोइनों को याद है, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, मनोनीत होकर कला साहित्य विज्ञान उत्कृष्ट क्षेत्रों के लिए जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? 5 अधिकतम की बात कर रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य 80 हो बहुत, हम दो हमारे आने दो यार, 80 सदस्य कहां से है लोकसभा, और अकेले 31 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्यसभा में देता है। उत्तर प्रदेश कितना आसान ना समझिएगा, जिन जिन देशों की जनसंख्या गति बहुत कम थी वहां यूपी वाले गए, अब वाले माफी मांग रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि अब राज्यसभा लोकसभा दोनों बनकर तैयार हो गया, कैसे चुनाव होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा, कौन चुना जाएगा, इसे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, हिंदी में कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं। उसके साथ 5 अन्य 10 अन्य सदस्य चुने जाते हैं। तो जो स्पीकर होता है वह इन्हीं सदस्यों में से कोई एक चुना जाएगा, जैसे क्लास का कोई मॉनिटर होता है तो बाहरी स्कूल का थोड़ी ना मॉनिटर होता है, उसी क्लास का होता है। इसी तरह इनमें से कोई एक लोकसभा का, तो एक प्रश्न पूछा गया सबसे ज्यादा बार परीक्षा में कि लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, किसका पति? अरे कहा यार, हमेशा राष्ट्रपति कराएगा और कोई, बहुत सही सही बता रहे हैं, पीछे बताइए ऑप्शन दे दे, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का उपपति, प्रधानमंत्री, इसमें से कोई नहीं। हाँ बहुत तेज है आप लोग, कोई नहीं दिलाता, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य बनते समय ही शपथ ग्रहण कर चुका होता है, इसलिए वह दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करता, ठीक। समझ में आया, लिख लीजिएगा, वह किसी के सामने शपथ पत्र नहीं ग्रहण करता, कसम नहीं खाता। मैं अपूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं देश के, ऐसे होता है ना, याद कर लीजिए शपथ क्या क्या लेते हैं। अब कहेंगे हम लोग साइंस वाले, हम लोग कहाँ याद करें, ठीक है। तो ये हो गया लोकसभा के बारे में, लोकसभा का एक। अब आते हैं राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होता है, कानून बनाने में इनकी भूमिका होती है। अब आएंगे राज्यसभा में से भी कोई एक सदस्य होगा, तो 2016 के यूपीटीटी में एक प्रश्न पूछा था यहां से, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कैसे उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, किस सदन का सदस्य, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का हिस्सा नहीं होता, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है जबकि उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता उसे कहते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति, वह भी पति होता है, किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक, जिसकी संख्या क्या होती है, एक होती है। उपराष्ट्रपति को कहां कहा गया भारत में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, इसे आपको की भाषा में कहते हैं एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति और एक, अब इसके बारे में जो लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा है क्या, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति, और दूसरा हो गया अनुच्छेद 52 में कहा गया राष्ट्र का एक पति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति न हो उनकी उस दशा में देश की एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो कुछ समय के लिए होगा, और जिस समय वह राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कृत्यों का निर्वहन करेगा, उस समय राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का क्या करेगा, उपभोग करेगा, ठीक। आगे आते हम लोग मुद्दे पे, मुद्दा कहां था हम लोग का, राज्यसभा का पदेन सभापति हो गए। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाया भी जाता है, कानून को संशोधित भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि लोकसभा राज्यसभा का ये, इसको आज कह देते हैं लोकसभा, और इस सीट के इधर क्या हो जाती है, राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, हाँ इसी में से बनेगा, कौन, ये बन गए लोकसभा अध्यक्ष और ये बन गए उपराष्ट्रपति,
ठीक, आज बनाते शान, ठीक। तो जब लोकसभा, लोकसभा का जब गठन होता है, अभी ऐसे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसकी ऐसी बैठक होती है, पहले शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक हो गई, तो पहली बैठक इधर हो गई, पहली बैठक, अब कोई कानून बनाना है, बताइए कानून में क्या बनाया जाए? चाय कॉफी क्या लेंगे, क्या लेंगे आप लोग? चलिए, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। अब राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा जो ये कहेगा कि कानून बनाए कैसे जाए, तो जो एक प्रस्ताव बना के ले, जैसे पीछे से आपने क्या कहा, क्या जरूरत है आपके समाज में, जैसे इन्होंने ये कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से महंगाई का दौर बढ़ने के साथ साथ पशुएं आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं, उससे जनता का भी नुकसान हो रहा है, और उससे बड़ा सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है, इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसके आधार पर प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में एक गौशाला या एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे आवारा पशुओं को बांधा जाए, उसके खर्चा सरकार उठाए। ऐसी बात लेके इन्होंने क्या किया, सदन में अपना प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव को कहते हैं विधेयक या बिल, विधेयक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं चूहा जिसमें रहता है, कहाँ रहता है, तो सदन में पहली बार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, कोई भी यदि अपना प्रस्ताव रखता है उसे कहते हैं प्रथम वाचाल। क्या कहते हैं? प्रथम वाचाल के तहत क्या होगा, विधेयक को सदन में पटल पे रखा जाएगा। अब जब ये कहेंगे सारे लोग क्या करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे कि सदन में पहले लाया गया है, वो चाहे राज्यसभा में लाया जाए चाहे वो, तो पहली बार किसमें लाया गया, अब उनकी बातों को सबने सुना, सभी सदस्यों ने कहा यार ये तो बात सही कह रहे हैं, इस समय आवारा पशु सड़कों पर और किसानों के यहाँ बहुत ज्यादा आतंक मचे हुए, इनके लिए कोई एक कानून बनना चाहिए, उनके लिए सभी खेतों को चारों तरफ एक चार दीवारी का बनवानी चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें एक स्थान बनाकर वहां पर उन्हें नगर निगम के द्वारा हटा देना चाहिए। अब इस प्रस्ताव की एक के प्रति बनेगी, क्या बनेगी, वो सभी सदस्यों को बांट दी जाएगी। बांटने के बाद फिर अगली जब बैठक होगी, फिर उसी प्रस्ताव के साथ बैठक होगी, उसमें संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, तो ये कहेंगे भाई साहब ऐसे कैसे है, कई सरकार जिम्मेदार हो, दूध पीना होगा तो वो लोग पियेंगे, और जब उसके बारी आएगी उसको छोड़ने की तो कहा दूसरा से, फिर उन्होंने तीसरे ने कहा नहीं नहीं ये कोई बात तो हुई नहीं कि सरकार घर के जिसका खेत है चारों तरफ उसके ईंट लगवाए पत्थर लगवाए, उन्होंने कहा ये बताइए गौशाला में बांध देंगे पैसा कहाँ से आएगा, इन्होंने कहा ठीक है गौशाला में बांध देंगे चारा कहाँ से आएगा, इस पर क्या होगा, वाद विवाद होगा, अंतोगत्वाय क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा, सभी अपना बात उस मत में रखेंगे, तो उसके लिए नियम बनना शुरू होगा, लोग बनाएंगे कि ठीक है अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग क्या करेंगे, दूध पीना होगा तो लेते आएंगे फिर छोड़ देंगे, इस तरह क्या होगा, सरकारी खर्च पर बोझ। इन तमाम विवादों के होने के बाद अंतोगत्वा एक निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा, नहीं कि अगले दिन फिर बैठक होगी, दूसरा वाचाल खत्म, तीसरा वाचाल इस पर वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग, तो पता चला इस पे होगा कि कौन, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये आवारा पशुओं के लगाम लगाने के लिए चरागाह की व्यवस्था सरकार करे, उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखा जाए, ताकि किसानों का और जनता का किसी प्रकार से अहित ना होने पाए, उसके लिए सरकार, वहां की पुलिस महकमा और नगर निगम जिम्मेदार होगा। ठीक, यह प्रावधान बिल पारित हुआ, और यहाँ पे एक तिहाई या उससे अधिक बहुमत से यहाँ से क्या हो गया, वोटिंग के बाद, बहस के बाद वोटिंग, वोटिंग के बाद, तो ये हो गया तृतीय वाचाल। अभी लोग से भाई इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई काम, ठीक, तो ये वोटिंग भी अभी नहीं करेंगे, तो यहाँ से हो गया, अगर यही मत यहाँ लाया गया होता तो यहाँ से पास हुआ होता, तो एक सदन से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, अगर यहाँ से पास होता तब तो इस सदन में आ गया, इस सदन में सेम प्रक्रिया, प्रथम वाचाल, द्वितीय वाचाल, तृतीय वाचाल के बाद यहाँ से वोटिंग हो गया पारित, उसके बाद राष्ट्रपति अमित सर के पास गया, कहाँ गया, माना राष्ट्रपति कौन है, अमित सर है, उनके पास पहुंचा। अब जब उनके पास पहुंचा, उनके पास भी कई पावर है, आप हम जानते हैं, देखिए आम बोलचाल की भाषा में
घर में मम्मी पापा दो लोग हैं, तो चलते किसके घर? नाम किसका होता, चलती किसकी? सही सही बताइए, झूठ ना बोलिएगा। वैसे हमारे देश में ये जो पति होते हैं ये नाम के होते हैं, काम कौन करता है? मंत्री परिषद। ठीक, तो नाम यहाँ होगा, नाम जब भी होगा जमीन लिखवाने कौन गया यहाँ, काम कौन करने का ये, लेकिन असली काम कौन करता है? गृह विज्ञान, क्या कहता है उसका वो। हाँ, तो इसी तरह हमारा जब संविधान पढ़ेंगे तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद चाहेगी ठीक है, नहीं चाहेगी देखा जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो राष्ट्रपति वीटो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वीटो का तरीका क्या होता है, जैसे अब किसी की मम्मी मान लेते हैं जो बना सदस्य हो जाने, इसे इनकी मम्मी ने पापा को मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आते समय 3 पैकेट ब्रेड और 5 किलो बेसन, 5 किलो आलू और फल वाला सामान लेकर आइएगा। और संजोग से वो घर पहुँचे और खाली हाथ, दरवाजा खटा खुला कहाँ है, उसके बाद कथा क्या होगी वो यही बता सकती हैं उसके बाद किसी। लेकिन वह बचने का एक रास्ता है वहाँ, क्या हमारी तरह क्या मोबाइल का मैसेज रीड, तो आप तो सीधा सीधा बच गए ना, क्या कि हमने मैसेज भी नहीं पढ़ा आपका, तुम दिखाएंगे हाँ ये तो बात सही है, फ़ोन करना चाहिए था ना, हम बिजी रहता को पता है मैसेज रीड नहीं कर पाए। इस कंडीशन कहते हैं वीटो पावर या पॉकेट वीटो, माने राष्ट्रपति के पास कोई बंदिश नहीं है कि उसे कितने दिन के अंदर उस पर मोहर लगाना है। तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ दिन के लिए लंबित अपने पास, तो उस पर कोई जोर मंत्रिपरिषद इनका नहीं है, मामला समझ गए। इसे कहते हैं क्या, वीटो लेना, पॉकेट वीटो, माने क्या रख लेना, जेब में रख लेना। भैया पढ़ेंगे तो लाएंगे ना, पढ़ाई नहीं है क्या क्या लेकर आना है, तो पापा बच गए ना। हाँ, जाएंगे दोबारा देखिए कैसे, अगर वो विधेयक दोबारा भेजा गया तो राष्ट्रपति को पारित, अब तो बता दिए ना, अब जाइए एक काम। दूसरा काम, यदि उस प्रस्ताव को वापस कर दिए कि नहीं नहीं हम नहीं लाएंगे, प्रस्ताव को वापस कर दिए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम नहीं लेकर आएंगे, तो मतलब यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को यदि उसे लगता कि नहीं नहीं ये तो लोग गलत कर रहे हैं कि बेचारे आवारा पशु घूम रहे हैं उनको बधवा रहे हैं, ये तो साई नाइंसाफी है, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, अगर लौटा दिया, फिर आगे कथा सुनिए, अगर गलती से लौटा दिया और फिर कहें नहीं लेकर आना है तो लेकर आना है। माने जब कोई विधेयक राष्ट्रपति एक बार इन सदनों को, दोनों सदनों को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता, कितनी बार, या तो चाहे लोकसभा या राज्यसभा उसे ज्यों का त्यों पारित करे या थोड़े संशोधन के बाद पारित करे, तो दोबारा इन्हें राष्ट्रपति को उस पर साइन करना बाध्य हो जाएगा। अगर वो इस पर साइन नहीं करते फिर भी ये मान लिया जाएगा राष्ट्रपति ने उसे क्या किया। इसका मतलब वास्तविक पावर किनके पास है, नाम किसका है, बेचारे का। ठीक, तो जो राष्ट्रपति होता है इसके पास वास्तविक शक्ति, अभी देखेंगे वास्तव में देखने लगे बहुत शक्तिशाली है। अभी पापा कह दिए कि नहीं आज कोचिंग जाएगा, मम्मी कह दी नहीं आज मौसी क्या जाएगा, देखिए क्या होता है, कहाँ जाते हैं, अजय का मौसी और 800 किलोमीटर दूर हो पता है ना, लेकिन जगह बगल है तो पहुँच ली। अब हम लोग आते हैं, हमने ये देखा कि कानून निर्माण की भूमिका में जो सबसे शक्तिशाली है वो लोकसभा और राष्ट्रपति, एक स्टाम्प का, रबड़ स्टाम्प का मोहर है जो इन दोनों के नाते। लेकिन धन विधेयक के मामले में यह था साधारण विधेयक, जिस समय राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा वह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो यह विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया समझ में आई। लेकिन कभी कभी अगर बीबी मायके गई है, मतलब लोकसभा, अरे लोकसभा सदन में अचानक कानून बनाने का काम करना होगा, तब तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि कानून, पता चला बगले चाची से बगले पड़ोसी से कोनो बात था, पापा समझौता कर लिए, अब पता चला दूसरे दिन 3 दिन बाद धमक पड़ी, और ये धमक गई तब क्या होगा, हाँ फिर से यहाँ से पारित। मतलब जब कभी सरकारें सत्ता में नहीं होती उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये अध्यादेश तब तक मान्य है जब तक, मतलब 6 माह तक, जब लोकसभा की प्रथम बैठक हो जाएगी उससे 2 माह के अंदर इसे दोनों सदनों में पारित होना, अगर नहीं होता तो काम समाप्त हो जाएगा। मतलब
यहां पर भी ताकत इनके पास है, आपात स्थिति में इनके पास है। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी जो ताकत होगी वो किन की भांति होगी, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक ही। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं धन विधेयक पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? पीछे से बताइए भैया जी, कहा नाम है आपका? अनुज, क्या नाम है? वीरेंद्र, आपका नाम पता नहीं भुला जाता है, केवल वीरेंद्र बता देंगे जरूरी है, आगे बताना जरूरी नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ सरकारें नहीं चल रही है, क्या आपको कोई पद मिल जाएगा? बाकी समझदारी, लोकतंत्र पे तमाचा था मेरा जो मैंने शब्द कहा, ये लोकतंत्र क्या था? एक खड़ा तमाचा था। ठीक, नाम पूछने वालों को कहते हैं पूरा नाम बताइए, और खासकर पढ़े लिखे लोग इसका खास विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब के हों। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे, हमने क्या देखा, भुला जाते हैं यार, बड़ी समस्या इस बात की। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ये किस लिए बने हैं तब? ये किस दिन काम आएंगे? लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, लेकिन ये किससे पूछ कर कहेंगे? भाई साहब नहीं, अमित सर को फोन करेंगे, हाँ राष्ट्रपति को, किसके पति को फोन करेंगे, पूछेंगे क्या करें। इसलिए कोई भी विधेयक है, धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन कर सकता है? लोकसभा, लेकिन किसकी परामर्श पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर। ठीक, अब देखिए, लोकसभा धन विधेयक केवल केवल लोकसभा में ही पारित रखी जा सकती है विधेयक, जैसे अन्य विधेयक था, चाहे वहां रखिए, चाहे कोई सदस्य यहां से बोल दे, चाहे कोई सदस्य, लेकिन लोकसभा में जब धन विधेयक होगा तो कोई जो लोकसभा का सदन होगा उसी में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा और वहीं पे पहले बिल को लाया जाएगा। एक प्रश्न छोटा सा हमारे दिमाग में भी आएगा, आपके भी दिमाग में आएगा, कि क्यों धन विधेयक के मामले में लोकसभा में पहले लाया जाता है? अभी आगे अच्छा बताते हैं। कोई विधेयक कहां पारित किया गया पहले? धन विधेयक कहां? लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद कहां जाएगा? अब कोई विधेयक जब धन विधेयक हो, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर पारित करना अनिवार्य है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर उन्हें लगता है, इन सबको लगा यार ये लोग तो बड़ा गलत कर रहे हैं, विधेयक में ऐसा ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए, तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा धन विधेयक में अगर कोई संशोधन कर दिया या नहीं किया, अगर इन्होंने 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पास कर वापस नहीं भेजा, तो मान लिया जाएगा धन विधेयक इन्होंने क्या किया? पारित कर दिया। विधेयक को क्या किया? अगर इन्होंने कोई उसमें सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसमें संशोधन, अगर इन्होंने कोई सलाह दे दी, जैसे मान लीजिए गरिमा ने सलाह दे दिया कि अरे ज्यादा पैसा जो है शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, ये लोग तो झूठे ही मनरेगा पे खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया तो पता चला इन्होंने कहा ना ना ना, ना मनरेगा पे खर्च होगा, पढ़ाई का खर्चा होगा, तो लोकसभा का जो मत है वह किसके? धन विधेयक के पक्ष में, धन विधेयक के संदर्भ में सबसे ज्यादा शक्तियां किसको प्राप्त है? अब प्रश्न उठता है क्यों, बताइए अध्यक्ष बने ऐसे बनेगा, और काहे नहीं बताएंगे आप लोग भी बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे? अध्यक्ष हैं तो मतलब वो बने, सदस्य बने हैं तो बताइए। सर मैंने कहा पार होता, सर बताएं, क्योंकि जनता का पैसा का अधिकार जनता द्वारा चुने गए लोग करेंगे, पैसा किसका होता है? जनता का, और जनता द्वारा चुनकर कौन जाते हैं? क्योंकि यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, इसलिए जनता का पैसे का मालिक। यदि दोनों सदनों से धन विधेयक पारित हो जाए तो क्या राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है? हाँ, अब घरे से अगर मम्मी कह के भेजें कि आते समय छुट्टी विद्यालय छूटने के बाद इतना इतना सामान घरे लेके आए, आज जो घरे से भैया आवत हैं, भैया माने तो हर मामा। ठीक, अब अगर पापा अगर सामान लेके नहीं पहुंचे तो क्या होगा? दंगा? अरे तो दंगा हो जाए।
मतलब घर में एंट्री एंट्री हो जाती है। अच्छा उसके बाद अच्छा फिर आराम करने में इतनी सहूलियत तो है इनके घर, आराम करने दिया जाता है। चलिए अब आते हैं वापस मुद्दे पे। जब लोकसभा से या राज्यसभा से धन विधेयक पारित होकर जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए भी वापस नहीं कर सकता। क्यों? सुभैया जात के तौर बाबू बता रहे हैं, कह रहे सुभैया जात के भैया संजय कहीं लेके आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमित सर से पहले पूछ लिया था धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति से परामर्श ले लेता है, इसलिए उस दशा में उस कंडीशन में राष्ट्रपति से वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक को पहली बार में इन्हें पारित करना पड़ता है, इसलिए धन विधेयक भी इस दिन क्या होता है पूरे देश में जिस दिन राष्ट्रपति की मोहर लगती है, जिस दिन राष्ट्रपति की साइन होती है, उस दिन पूरे देश में क्या होता है धन विधेयक जो होता है वो मान्य हो जाता है। वह विधेयक क्या होता है कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि कानून बनने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसी तरह कानून में संशोधन भी किया जाता है। ठीक, तब अब संविधान संशोधन की अगर बात करें तो सेम प्रक्रिया संविधान संशोधन की भी। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 आप लोग सर्वे कर दीजिएगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत ये कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया। जैसे कभी कभी होता है घर में कभी कभी किसी की विवाद स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस दशा में भी क्या होता है हम लोग देखेंगे। जैसे देवरान जेठान है, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया किसी बात को लेकर और शाम पहुँचते बेचारे ड्यूटी करे जिसे घर पहुँचता है दरवाजे पहले क्या मिलता है, अमित सर फोन आ रहा है आपका, ठीक है लास्ट 39 है ना। हाँ तो फिर हमने ये देखा कि उस समय होता क्या है कि जब कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी कानून पे, जैसे सुबह सुबह इनकी माता जी ने कहा कि एक काम करिए आज भैया आएंगे और आते समय ये फला फला समा लेते आना, तब तक दोपहरे खबर आया कि नहीं भैया के यहाँ पूजा है, छोटका भाई की भेजे को वहाँ कहाँ मम्मा के यहाँ, पापा कहें कि नहीं नहीं इसको नहीं जाना है अभी घर पर कौन रहेगा ये वो, तब तक बाहर में आए तब तक कहें सुबह कहते आएंगे ना, कहे थे ना सुबह लेकिन अभी क्या है अभी इसको जाना है, उस दशा में क्या हो जाएगा तो विवाद उत्पन्न होगा तो मानने क्या होगा, कहाँ जाना पड़ेगा स्वाति जी तब आपको, हाँ मामा के यहाँ, इसका मतलब पावर है आपके मम्मी के पास, ठीक है आते हैं। तो जब किसी भी बनाए गए कानून में समय और जरूरत के साथ यदि लगता है कुछ में संशोधन करना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उसे कहा जाता है संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। संशोधन तीन प्रकार से होता है, एक होता है साधारण संशोधन जो केवल 1/3 सदस्यों से पारित सदस्यों के बीच, जैसे भी संविधान बनने की प्रक्रिया थी सेम यही प्रक्रिया होती संविधान संशोधन करने की, चाहे यहाँ से उठाए चाहे यहाँ से गुजरने के बाद अमित सर के पास पहुँच गया उन्होंने मोहर लगा दिया तो संविधान में क्या हो गया संशोधन। एक होता विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 यहाँ से, कुल सदस्यों का 2/3 यहाँ से, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद क्या होता है संविधान में संशोधन। तीसरा क्या होता है कि दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत में संशोधन के बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी तब जाके वह संविधान संशोधन होगा। ऐसा क्या हाल ही में आपको देखने को मिला जिसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति के बाद कोई संविधान में संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, क्या अभी आज कुछ साल पहले ऐसा आपको लगा, क्या भारत में ऐसा कभी हुआ हाल ही में? नींद आ रही हो तो मुंह धुल कर एक बार सोचे क्या ऐसा हुआ कभी। कुछ दिन पहले भारत में कानून आया, एक संशोधन हुआ, इसको लेकर काफी विवाद उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया हाँ। तब आप बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तीसरी बार संसद को रात में खोला गया चलाया गया तीसरी बार जीएसटी के समय। जीएसटी जब पारित हुआ उसमें बड़ा मजा आता, हम भी टीवी देखते, टीवी में केवल न्यूज ही देखते हैं, गाना पिक्चर को समझे में नहीं आता 3 घंटे तक, तो
तो जब न्यूज में दिखाया कि जब लोग सदन से बाहर निकल रहे थे विधानसभा से, तो माइक लगा के पूछ रहे थे विधायकों से कि आपने पक्ष में मतदान किया या, तो कह रहे थे हमने पक्ष में मतदान किया। अब जानकर बड़ी हैरानी हुई, उनसे पूछा गया कि जैसे अभी हम पूछेंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप ही लोग बताइएगा, आप बताइए। वही हाल उन लोग का भी था, पहले था, बताइए क्या क्या, यही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, ठीक यही है। तब आधा लोग जो है घबराने लगे, तो गुड्स एंड, यह केवल संविधान में संशोधन था जिसमें राज्य के आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरत। तो ऐसा कब होता है, जब समवर्ती सूची पे किसी विषय में संशोधन करना पड़े, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सदनों से पास होने के बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, तब जाके काम संविधान क्या होता है, संशोधित होता है। अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, 130 बताइए, सब कान सुनना पड़ता है, देखना पड़ेगा है कौन ऐसा बंदा, इतने इतने करा दिया। अभी तो मैं 101 सुने थे, 101 तो सुने थे, मैं अचानक कब हो गया 25 ठो, अभी नई किताब खरीद लेंगे। बताइए आप लोग, तो ज्यादा दिखना चाहिए, क्यों क्यों बताइए, समझदार तो है आप लोग, ठीक। इसका मतलब ये था, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, हमारा मतलब ये था कि ऐसे भी संशोधन देश में हुए हैं, 126 लाया गया, 101 पारित हुए हैं, अब कुछ संविधान संशोधन अगर ऐसे कर दिए जाएं जो मूलाधिकार का हनन करती हैं, ऐसे संविधान संशोधन को या ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करने का भी अधिकार रखती है। यदि कोई कानून आप लोगों ने ऐसा बना दिया जो किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन करती है, तो उसे क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने का भी अधिकार। क्या ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्यों बताइए, इतने संशोधन हो गए, इतने संशोधन हो गए थे, उसका नंबर रखना पड़ गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, ठीक। सबसे ज्यादा संशोधन हुए थे, अभी आप लोग तो सिविल के होते तो बताते आपको पूरा तोड़ तोड़े क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या हस्तक्षेप हुआ था, कैसे इतना बड़ा संशोधन हुआ, उसमें क्या क्या चीजें लाई गई थी। लेकिन आप लोग क्या है, एक मास्टर बनना है, कौन सा मास्टर, और हमें तो एक अध्यापक यहीं रहना है, ठीक, जैसे हम ऐसे रहेंगे आप लोग अध्यापक को टहलेंगे, आप लोग स्कूटी से बुलेट से टहलेंगे, हम तो ऐसे साइकिल से आएंगे, साइकिल से जाएंगे, ठीक। आप लोग जमीन में खरीदेंगे, हम लोग ऐसे रहेंगे किराए के मकान में, हाँ टहलना है ना, टहलेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग की तरह थोड़ी है तनख्वाह फिक्स रहेगी कि 3 तारीख को खाते में पैसा मैसेज आ जाएगा, निकाले ना निकाले, कुछ की 40 आएगी, कुछ की 80 आएगी, कुछ की 40 आएगी, आप लोग हंस रहे हैं, हाँ हमें लगा 80 हंसने लगे, चलिए 80 वाले मतलब समझ गए। तो हम लोगों ने ये देखा, क्या संविधान द्वारा बनाए गए, अब दोनों लोग हंस रहे हैं, अच्छा एक कहानी सुन लीजिएगा, जंगल में, हाँ जंगल में सभा हुई थी, जंगल में सभा हो रही थी, इसे तो लब लगा के भाषण दे रहे थे, तो कुछ पीछे एक तो था गधही थी, हंस दी गधा था, हंस दिया, तो होता ना सब लोग पीछे देखे, कुछ देर बीता फिर हंस दिए, जैसे अभी आप लोग, फिर कुछ देर बीता सब लोग काम कर रहे थे, फिर हंस दिए, सब लोग एक साथ पीछे देखे हंस गए, तो उसे पूछ ही लिया गया कि बात क्या है, तो कह छे तो पहली बार कहीं हंसे थे, कहीं सब हंस रहे थे, हंस दिए, जैसे अभी हुआ, कहीं दोबारा कहीं ये सोचे हंसे कहीं थे, जैसे अभी फिर हुआ, कहे तिवारा कहे जो कहे तो समझ में आ गया, ठीक जैसे आप, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमने ये देखा कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि संविधान संशोधन करने के बाद
या कानून बनने के बाद नागरिकों का भी कोई हस्तक्षेप होता है? यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बनाए गए कानून पर हस्तक्षेप नहीं करती तो उस दशा में आप क्या करते हैं? उस समय यदि भारतीय जनता कहते हैं कैंडल मार्च, फ्लैग मार्च, सरकार का विरोध करते सड़क पर आकर, तब सरकार कहते हैं ना सरकार कान में जू नहीं रेंग रही है, फिर लगता है फिर क्या होती है, संसद की बैठक बुलाई जाती है और बैठक बुलाने के बाद क्या होता है, पुनः उसमें संशोधन किया जाता है या नए कानून की। इसलिए कभी कोई जब जैसे अभी एनसीटी ने जब गाइडलाइन ले आते तब देख रहे लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अभी जब ये कभी कोई कांड हो जाता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार क्या करे, उस पर विचार करे और कानून। क्यों? क्योंकि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होती है वी द पीपल, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पन निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तहत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक से पूरा याद करना होगा। आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले पन्नवा पर रहता है, सब रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छा थोड़ी ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करेंगे, काम चल जाएगा, वह याद करना पड़ेगा, यही याद करना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीएससी स्पेशलिस्ट नहीं मांगता, उसको स्पेशलिस्ट चाहिए किसी सब्जेक्ट का, जैसे गणितज्ञ चाहिए, भूगोल वेत्ता चाहिए, इतिहास वाले चाहिए, फिजिक्स वाला चाहिए, तो डायरेक्ट नेट जारे उठा लेगा ना, क्या जरूरत है परीक्षा कराने की। उसको क्या चाहिए, जर्नलिस्ट चाहिए जो सब कुछ जानता हो, भले थोड़े थोड़ा जानता लेकिन सब जानने वाला। ठीक, तो हम लोगों ने देखा यह कानून बनने की प्रक्रिया जो था यह पूरा हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ऐसा कोई कानून हमारा संसद नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकार का हनन करती हो। अगर ऐसा कानून बनता है तो अभी कई ऐसे केस देखेंगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी क्या करना होता है, इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और उस हस्तक्षेप के बाद वह कानून व संविधान संशोधन रद्द कर दिया जाता है। जैसे हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कोई बताए? कोलिजियम व्यवस्था को रद्द करने के लिए जो संविधान संशोधन लाया गया था उससे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस प्रकार आज हम लोगों ने छोटा सा एक रूपरेखा बता के बताया कि संविधान संशोधन कैसे होता है, कानून कैसे बनती है। वैसे संविधान की मेरी सीरीज चालू है, उस सीरीज में हम पूरा व्यवस्थित बताएंगे कैसे बनता है, कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने चीज़ें बता दी कि जो आपके लिए परीक्षा की उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। एक छोटा सा प्रश्न छोड़ते हुए आपके लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनना सोच सकते हैं? क्या भी कोई है इसमें माइकलाल या माइकलली? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने की, भैया उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से जन्म ले लिए, एक प्रश्न और, क्या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है? अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहाँ के विधायक थे जिन्हें डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया गया? सांसद थे जिस समय वो बनाए गए थे, देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक, इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक, ऐसा क्या कारण है?